आज का जो दिन है गगरेट विधानसभा क्षेत्र के लिए, ऊना जिले के लिए और मेरा मानना है हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 2 दिन की जो गतिविधियां हमारे क्षेत्र में बीती हैं, कुछ ऐसे घटनाक्रम जो हैं आप मैं आज के साथ आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। बहुत वर्षों से मेरा मानना है, सिर्फ कुछ ये वीक्स की या मंथ्स की बात नहीं है, बहुत वर्षों से हमारे गगरेट एनएसी का एरिया बुला लीजिए, हमारे निकटतम क्षेत्रीय पंचायतों के बारे में बात कर दीजिए, हमारे विधानसभा की बात कर दीजिए, एक बहुत बड़ा कहर हमारे यहाँ पर जो है, और एक बहुत बड़ा एक तरीके का जिसको बोलते हैं जो डार्क क्लाउड जो होते हैं, डार्क वेब और डार्क क्लाउड जो है वो गगरेट विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मंडरा रहा है। उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष थे जिनका पब्लिकली जो है विस्पर करके तो सब बात करते थे, बट पब्लिकली कोई आम चर्चा के तौर पे जो है कतराते थे बात करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लीगल और टेक्निकल जो हमारे हर्डल्स और चैलेंजेस थे, हम कहीं ना कहीं उनको पार करके जो हमने अपने काम को सर चढ़ाना था उसको नहीं चढ़ा पा रहे। और आप सभी जानते हैं कि मैं किस व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ और किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। हमारे दुर्भाग्य की बात है, जो एनएसी में पूर्व में प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं मिस्टर वीरेंद्र शर्मा उर्फ बिंदु, और जो बातें सुनने में आती थी और जो एक रूमर्स, और बहुत घरों परिवारों में जाइए तो जो लोगों के साथ पर्सनली बीती थी, उसके ऊपर जो है हमारा जो शासन है, हमारा प्रशासन है, उन्होंने अपनी बहुत ही ज़्यादा जो है इसके ऊपर उन्होंने एक महत्वपूर्ण एक मिशन को जो है अंजाम दिया। और परसों रात को अराउंड 28,000 नशीली दवाइयों की जो गोलियां हैं उसका जो शिपमेंट आई थी गगरेट विधानसभा क्षेत्र में, अभी एंटर ही करी उसकी शिपमेंट पकड़ी गई। उसके उपरांत जो व्यक्ति शिपमेंट लेके आए थे और जिन्होंने आगे ट्रांसपोर्ट करनी थी, उनके डिटेल्स कॉल लॉग्स में से और उनके मैसेज से जो है, जो किंग पिन है सारे के सारे इस नेक्सस का, उनकी भी सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई। ऐसे और भी शरारती तत्व हैं और भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। अभी ये सफाई अभियान जो है वो अभी चालू करा गया, ये सफाई अभियान जो है बड़े लंबे अरसे के लिए चलता रहेगा। और मैं यहाँ गगरेट में बैठ के ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी तो हमने नशे के ऊपर करी है कार्रवाई, फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं कि ट्रक यूनियन में भी अभी हमने अपने पंजाल की तरफ की तरफ जो है चेंज लाया है। सो मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा दैट आई एम नेक्स्ट कमिंग फॉर गगरेट। अब जो गगरेट में आज तक चलता आया है और जो प्रथा चलती आई है, एंड मैं बड़ा क्लियरली और मैं चाहता हूँ ये मैसेज उन सारे लोगों तक पहुँचे और बहुत अच्छे से पहुँचे, आई एम कमिंग फॉर यू एंड आई एम कमिंग फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीबडी। तो आपने जो अफवाह फैलानी है और जो रूमर फैलाना है कि जी हमारी उनसे बात हो गई, हमारी उनके साथ सब कुछ बातचीत फाइनल हो चुकी है, हम जी ऊपर जाके उनको मिलाए हैं, हम जी उनसे बातचीत कर ली है, गगरेट का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे अगले 60 से 4.5 साल की जिम्मेदारी मेरी है। और जो मैंने ग्राउंड पे देखा है और जो मैंने कस्बे वाले लोगों के साथ करे हैं मैं निभाऊंगा, और गगरेट ट्रक यूनियन के लिए आई एम कमिंग नेक्स्ट। जो आपने उसमें करना हो आप करिए, जो मैंने करना होगा मैं करूँगा। एंड जितने भी ऐसे संगीन मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमने पब्लिक ने हमें हमसे अपेक्षा रखी और हमें इतना बड़ा मार्जिन दिया, हम हर पे खरा उतरेंगे और उनको जो है सर चढ़ाएंगे। एक बारी मैं फिर से सारे मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सभी लोगों ने आज अपना टाइम निकाला और गगरेट की जनता को कांग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।